नमस्कार ते सत श्री अकाल। यू आर वॉचिंग आर स्पेशल कवरेज ऑन न्यूज एक्स एंड इंडिया न्यूज। आज हम पहुंचे हैं पटियाला में, जो पंजाब का एक अहम लोकसभा क्षेत्र है। हमारे संग जुड़ रही हैं यहाँ की वर्तमान की सांसद, पूर्व भारत सरकार में मंत्री और दोबारा बीजेपी से इस बार मैदान में प्रणीत कौर जी। प्रणीत कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू जी, धन्यवाद। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत ही लंबा कैंपेन रहा है, आपका सीट जो है बिल्कुल ही आखिरी चरण में है, तो अब तक कैसा चुनाव का प्रचार रहा है, क्या माहौल है यहाँ जमीनी स्तर पर? बहुत ही लंबा रहा है। पहले तो प्रचार होता तो था, पर अब तेज़ी पकड़ गया लास्ट फेज में, और गर्मी भी तेज़ी पकड़ गई, आंदोलन भी तेज़ी पकड़ गए। इसके इस माहौल में पूरी गर्मी है हर एक साइड से, पर प्रचार बढ़िया चल रहा है जी। क्या अंतर आपको लग रहा है, क्योंकि आप पहले तो बहुत चुनाव लड़ी हैं, मगर ये पहली बार है कि आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही हैं, तो ऑन ग्राउंड अनुभव इस पार्टी में कैसा रहा है अब तक? देखो, बीजेपी का अलायंस था अकाली दल के साथ। ये मालवा बेल्ट जो है, इसमें अकालियों ने डोमिनेशन की, सो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पर वो इतने लोगों के साथ बाहर जाना, स्पेशली गांव में, वो उनका नहीं था। तो दायरा थोड़ा उनका शहर में था, गांव-गांव में थोड़ा थोड़ा था, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। पर क्योंकि मोदी जी और राम मंदिर का बहुत प्रभाव है लोगों पर, उसके साथ हमें अच्छा हुआ। वैसे एक साल से काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ कि हम अपना केडर क्रिएट करें, तो अब काफ़ी हो गया, बाकी के होने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 में बीजेपी का केडर बहुत मजबूत बन जाएगा और फिर बीजेपी की सरकार आ सकती है पंजाब में जी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, इनफैक्ट उन्होंने पंजाब चुनाव का आगाज़ पटियाला से किया, आपके लिए वो प्रचार करने आए, क्या उसका इम्पैक्ट रहा है यहाँ के क्षेत्र पर? उनका बहुत बढ़िया इम्पैक्ट रहा है, मोदी जी की छवि और मोदी जी को देखने के लिए इतना लोगों में जज्बात था कि वो जैसे हमारे दुकानदार हैं, उनको हमने कुछ नहीं कहा, अपने आप अपनी दुकानें बंद करके 5-6 घंटे गर्मी में आकर बैठे मोदी जी को सुनने के लिए, और उन्होंने सब तय कर लिया कि मोदी जी को ही वोट डालेंगे। आप जानी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यू मेट हिम एंड यू सीन हिज वर्किंग स्टाइल नाउ, क्या अलग है उनमें और कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों में और कांग्रेस के नेताओं में, आपको क्या लगता है? आई थिंक बीजेपी इज वेरी वेरी वर्क ओरिएंटेड, 24/7 दे आर वर्किंग एंड दे मेक श्योर दैट ऑल द एमपीज, द एमएलएज, द प्रधान्स, दैट एवरीबॉडी वर्क्स, एवरीवन इज मॉनिटर्ड, एवरीवन इज गिवन प्रोग्राम्स। देयर इज नेवर अ टाइम व्हेन द बीजेपी वर्कर इज नॉट वर्किंग इन सम फॉर्म और द अदर। यू नो, आई विल ऑल्सो आस्क यू प्रणीत जी, क्योंकि जैसे आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, वैसे सामने वाला जो प्रत्याशी है, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है यहाँ से, उसके लिए आज प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ आई हैं, उनके स्टार प्रचारक हैं, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्या? ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होता है, वो उनके साथ ज़्यादा, जो उनके पार्टी वर्कर्स गए होंगे साथ, उनको ज़्यादा जोश मिलता है। पर प्रियंका गांधी जी आए और उसी टाइम हमारे मेरे घर में, जब ये इलाका जहाँ हम जा रहे हैं सुनौर, 1 असेंबली सीट, इसमें से 1000 लेडीज़ घर आके बैठ के चुनाव प्रचार के लिए मटेरियल लेके गए, और ये बूथ भी लगाएंगी, ये पर डोर टू डोर भी जाएंगी। तो आप तुलना कर सकते हो कि यहाँ खाली 1000 लेडीज़ थी। प्रियंका जी के प्रोग्राम में
अंदर था, कहाँ था पता नहीं, कितने थे, पर कैपेसिटी अबाउट 1500 to 2000 की कैपेसिटी है, एंड इट वाज मिक्स्ड। सो आप देखो, एक हलके से इतने आए और उनके पूरे प्रोग्राम के लिए इतने आए, तो फर्क दिखता है, आपके कह रहे हैं फर्क दिखता है। आपका ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी दबाव क्या बना रहा है आपके चुनाव प्रचार में, क्या रोक लगा रहा है, क्योंकि मैंने ये भी आरोप सुना है आपसे। ये बिल्कुल जाहिर है, जे वो रोक लगा सकते हैं प्रधानमंत्री की रैली में, वहाँ लोगों को एक छोटा गेट खोल के अंदर जा रहे हैं, पास वाले लोग अंदर कहीं नहीं गए, लेडीज की बसें वापस कर दी कि आपको दिक्कत होगी किसानों के साथ, ये बहाने बनाकर हमारे लोगों को कईयों को पहुंचने दे दिया, पानी नहीं अंदर गया टाइम से, बिजली नहीं ऑन हुई टाइम से। तो ये प्रशासन का रोल जो था ये बहुत नेगेटिव रहा, पता नहीं उन्होंने आप किया, आप तो किया नहीं होगा, ये ज़रूर उनको हाई अप से कोई डायरेक्शन आई होगी, आप पार्टी से, और ऐसा माहौल कभी इस लेवल पर यहाँ कभी आया नहीं। इलेक्शन लड़ी अकाली दल, बीजेपी ने एक साइड, कांग्रेस ने एक साइड, पर जो लेवल आज आ गया है ये लेवल कभी नहीं आया। How much development have you been able to do in this region? Because आप कहीं ना कहीं अपना चुनाव विकास कार्यों पे लड़ रही हैं, आप कह रही हैं बहुत सा विकास हो पाया है, how much development work have you been able to do in the region which you are proud of through you and through your husband who of course has been the former chief minister of the state, Captain Amrinder Singh? Well, twice when he was chief minister, the work done was unprecedented. Every single MLA constituency of the nine, the roads, the subdivision was made, the drains were done to avoid flooding, hospitals were put up. I brought in a multi-speciality hospital when I was in minister for 150 crores, which has the state of the art everything for the Aam Aadmi to go and get. Unfortunately, what has happened is that this multi-speciality doctors are very highly priced, and the government doesn't seem to be able to afford to give that kind of salary to them. So, in a way, the people are losing out on that. But there's a great augmentation in the health sector from the Prime Minister's Ayushman card, which a lot of people have, at least 75,000 people in my area, in my Lok Sabha, have benefited from that. And besides that, all the central schemes are what are keeping the people going. There has been nothing at all, except self-advertisement and little short movies to showcase how wonderful Punjab is all over the country to further the Aam Aadmi Party. So I have, when we were there, when my husband was there, the roads were done, schools were upgraded, 2-3 schools of eminence that they are saying now, they were already schools of eminence in the city. We made a lot of parks in the city. I brought the Footwear Design Institute to Banur. In each area, I tried to do something that area needed. But you know, of course, you know, you've had such a long association with the Congress Party, both Captain Amrinder Singh and yourself, that, you know, one wonders, you know, what it took for you to break that association. I thought it would be very heart-rending and heart-wrenching, but it wasn't. And I think both sides have to be able to get together to want to work together. And I certainly got the feeling, I don't want to say too much, but they made it quite clear that they were not wanting to work with me. Was that, was that upset? Yes. Well, it didn't matter because my husband had already left, my children, and he had joined BJP. And with this kind of attitude, if either I sat at home or if I still wanted to work for the people of my constituency,
and they wanted me to work, then the best option was BJP. And frankly, the last couple of months, I took some works from my constituency, and the way the BJP handled them and did them, and the working of the BJP, and especially the Prime Minister, it gave me the confidence that yes, I'm in the right place at the right time, and I will be able to do much more. Did they try and stop you from leaving? Did anyone reach out from the top, from the Gandhis or the President? Nobody reached out to me. And even if they had, I had made up my mind, but nobody reached out to me. Also, you know, last couple of questions we'll ask you. One, of course, also on, you know, this exodus that we've seen in the Congress party. Of course, you are very senior leaders, yourself, Captain Amrinder Singh, who left the party. That was a big jolt to the party. But so many others have left. What is the reason for this? I don't know. It's probably the working of the high command or what it is, but everyone has their own reasons. I think it's best they answer than I do. ये perception भी बना हुआ है कहीं ना कहीं यहाँ पे पंजाब में और आधा ये create करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी anti किसान है. इस पे आप क्या कहेंगे? ये perception बना दी क्योंकि इन्होंने आंदोलन इतना ज़्यादा किया, पर उस आंदोलन में एक-एक पंजाबी ने across party lines इनकी support की, मदद की. पर जब प्रधानमंत्री ने देखा और उसकी रियलाइजेशन आई कि हाँ ये असली किसान की ठीक है, तो तीनों लॉज वापस ले लिए. उन्होंने अपोलोजाइज भी कर दिया. तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी चीज़ किसी ने की नहीं. कोई नहीं अपने एक बारी लॉ इनैक्ट करके, कोई गवर्नमेंट किसी पार्टी का, मुझे नहीं पता कौन वापस लेता है. ये एक बहुत बड़ा जेस्चर था प्राइम मिनिस्टर से, और इनके सम्मान में भी जो 6000 रुपया आता है, सम्मान है इनका, MSP बढ़ाई जाती है, सब कुछ होता है. इनको आगे भी कोई दिक्कत है तो ये दिक्कत खाली मेज़ के ऊपर बैठकर ख़त्म होगी, ना कि जैसे ये हमारा विरोध कर रहे हैं एंटी बीजेपी. देखो सेक्शंस होते हैं, सबके साथ 100% तो कोई नहीं होता, किसी पार्टी किसी व्यक्ति के साथ. सो ये एक सेक्शन है जो बीजेपी को नहीं लाइक करती, तो ये एक एक्सक्यूज बना लिया. तो ठीक है, इनका राइट है, पर हमारा भी राइट है कि हम अपने अपनी बात लोगों के पास लेके जाएं, और लोगों का राइट है कि वो अपनी मर्जी से, बिना धमकी से, बिना डर से अपनी वोट डालें. आप और कांग्रेस साथ हैं दिल्ली में, हरियाणा में, बट यहाँ आपस में लड़ रहे हैं, क्या उसका भी असर होगा जमीनी स्तर पर? देखो ये सिचुएशन मुझे समझ नहीं आई कि जो पॉलिसीज़ हैं इनकी नेशनल गवर्नमेंट चलाने के लिए, ये लोकल इलेक्शन नहीं है. एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसे पहले था, आई डोंट नो इनका है कि नहीं है, पर यहाँ जे एक दूजे के साथ ये लड़ी जाएंगे, इतने फिशर्स, इतने डिवीजन आ जाएगी वर्कर्स में. ऊपर वाले तो ठीक हैं, पर जो ये क्रिएट कर देंगे वर्कर में, वो बहुत मुश्किल होगा वर्कर को रिकंसिलिएट करने के लिए. और आप वालों ने वहाँ तो कहते हैं चलो दिल्ली में हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, उसे डबल यहाँ कर रहे हैं. और यहाँ खाली लीडर से नहीं कर रहे, यहाँ नीचे सरपंच तक जा रहे हैं. जो इनके साथ नहीं जा रहा उसके 10 साल के खाते खोल रहे हैं, उस पर विजिलेंस दे रहे हैं. तो एक माहौल, अच्छा माहौल नहीं है. धर्मवीर गांधी जो आपके सामने हैं, तो 19 में आप जीती थी मगर 14 में उनसे ही हारी थी, चीज़ें क्यों बदली हैं अब 24 में 10 साल बाद? वो तो 5 साल बाद ही बदल गई थी. उनको मैं हारी थी, मैं उनसे 20,000 से, जब आसपास में तीनों और जो आपके थे वो 2-2 लाख से जीते थे. तो उसके बाद धर्मवीर गांधी जी का मेरे ख्याल में मिलना जुलना, दुख सुख में तो बिलीव ही नहीं करते जाने का. वो बाहर गांव में जितनी देर आप एक दूसरे के साथ एक रिश्ता नहीं बनाते, काम जितना मर्जी कर लो
वो रिश्ता जरूर होना चाहिए। Final question to you. You're confident of a win, of course, in these elections. Do you have a vision in your mind for Patiala for the next 5 years? Yes, I have a vision. I would like to try, because this is an interstate subject. We tried earlier. We failed to tame the Ghaggar River, which is known as the River of Sorrow. And then, as luck would have it, from the Congress there was another government, and then the COVID came, so we couldn't really effectively take it up again. When I became MP this time, first time when my husband was Chief Minister, we managed to spend money on our area, raising the embankments, making more drains to take the load off, trying to straighten the curves where it hit and overflowed, giving wider siphons. So that all we did. That's one of the major problems of this area and the request. There's another request that they wanted a railway line from Samana going on, which three times I had the survey done and the survey rejected it. But the request is still there, so I will try and take it up all over again. And the request is there to get some major industry to come here for employment. I hope I will be able to do that, but it also depends on what kind of atmosphere and ground reality there is here with the AAP government and the farmers. People are a little wary of coming. So these are challenges ahead of us, and then there are a lot of local problems which can be sorted out. Okay. We wish you all the very best for the 4th of June. Thank you so much, Praneeth Kaurji, for joining us on NewsX and Indian News. Thank you so much. It was a pleasure. Journalist Avinash Uday Pratap Singh in Patiala for NewsX and Indian News.